हेलो व्यूवर्स, क्या हालचाल। तो आज है डे 22 ब्लॉग का और अभी बज रहे हैं सुबह के 5। सुबह की शुरुआत होती है 5 बजे। वहीं फिर रोज़मर्रा की ज़िंदगी के साथ ये अपना थोड़ा सा लिया हमने कड़ी पत्ता और एक ग्लास वाटरमेलन का जूस, क्योंकि भाई गर्मी आ रही है तो खुद को हाइड्रेट करना है बहुत ज़रूरी। ठीक है, उसके बाद मैं जाती हूँ गार्डन में, थोड़ा सा फूल लेके आती हूँ पूजा के लिए। फिर ये सब करते कराते हो जाते हैं दोपहर और आ जाते हैं कुरियर वाले भैया हमेशा की तरह, रोज़ की तरह। तो मैंने लिया अपना पार्सल। ये सब करते कराते बच जाते हैं अपने, शाम का टाइम हो जाता है 3 या 4 बजे होते हैं। तो मामा कहते हैं आ जाओ, बैठ जाओ गाड़ी में, आज ले चलता हूँ तुम्हें अपने सारे खेत दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैं, मम्मी, मामू, कृषु सब बैठ के आ जाते हैं खेत देखने। तो ये मामा बता रहे थे ये यहाँ का ऐसे खेत है, वैसे खेत है। फिर मामा बोलते हैं बुलबुल कभी खेत घूमी हो क्या। मैंने बोला नहीं मामा, घूमा तो नहीं है पर। तो फिर मामा बोलते हैं चलो फिर घुमा देते हैं आज तुमको खेत। ठीक है, तो पहले तो मामा पूछते हैं कि पैदल चल लोगे ना। तो मुझे लगा यार कहाँ है, कितना ही दूर जाना होगा। हाँ चल लेंगे, ठीक है आज ये भी एक्सपीरियंस कर लेते हैं। फिर भाई साहब फिर जो हालत हुई ना चलते चलते चलते, मुझे बस ये लगा था कि हाँ ठीक है थोड़ा सा होगा और फिर वही देख दाख के आ जाना है। फिर हमने चलना शुरू किया और मुझे लगता है कम से कम हमने 2 से 3 किलोमीटर तो चले ही होंगे हम खेत के पास गए अपने। ठीक है, तो फिर मामा बताते बताते लेके चलते हैं और देखो फिर अब हम पहुँच जाते हैं अपने खेत में। तो फाइनली ये आ गया ये अपना खेत वाला एरिया। तो यहाँ बच्चे खेल रहे थे, छोटे छोटे बच्चे क्रिकेट, तो थोड़ा सा वो भी इंजॉय कर लिया था, खड़े होके देख लिया था उनका मैच। और ये जितना भी आपको येलो पार्ट दिख रहा है वो था हमारा खेत का एरिया। और ये है गेहूं। हाँ तो ये रहे अपने गेहूं के खेत। और चलो फिर चलते हैं। तो ये दोनों गेहूं के बीच में ये येलो येलो वाला दोनों पार्ट जो है वो अपना ही खेत है। और ये देखो वेदू गिर गया था। तो फिर मम्मी बोलती है संभाल के चलना, ब्लॉगिंग के चक्कर में तू मत गिर जाना। ठीक है, तो फिर मामा बता रहे होते हैं यहाँ से एरिया अपना है, ये इतना है, ऐसे वैसे करके मामा पूरा अपना डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। और फिर मैं पैर दबा के ये देखो ये मामा डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ से यहाँ अपना है, ये ऐसे है, ये वैसे है, मम्मी को सब समझा रहे थे। ठीक है, तो ये रहा अपना खेत, ये पूरा येलो वाला पार्ट अपना ही था। फिर उसके बाद हम चलते हैं वापस। तो देखो भाई हम यहाँ हैं और हम गए कहाँ थे, चलो दिखाते हैं। वो जो येलो वाला पार्ट दिख रहा है ना वो, हाँ वहाँ हम गए थे पैदल। ठीक है, फिर करते कराते चलते चलते हो गए थे अपनी हवा टाइट। फिर वापस से आ जाते हैं कार की तरफ। तो फिर मामू कहते हैं कि आ जाओ बैठ जाओ कार में, अब ले चलता हूँ तुम्हें बगीचे में। तो बगीचे की तरफ जाने का व्यू कुछ ऐसा था। ठीक है, और फिर कार में बैठ के बगीचे की तरफ चलते हैं। फिर नज़ारा कुछ ऐसा था, पहाड़ पहाड़। और बस चलते गए, फिर कार में बातें हो रही थी वहीं कि बचपन में ऐसे किया करते थे, वैसे किया करते थे, मामा यही सब बता रहे थे। फिर चलते चलते हम आ जाते हैं अपने आम के बगीचे में। तो ये रहा हमारा आम का बगीचा। और ये भी शायद दो पार्ट में, एक लेफ्ट साइड में था रोड के, एक राइट साइड में था, दोनों था। ठीक है, तो ये राइट साइड वाला है और फिर अभी चलते हैं हम लेफ्ट साइड वाले बगीचे में। तो ये उतार चढ़ाव पार करते हुए ये आ गया अपना बगीचा। ठीक है, तो मामा ने ये बताया था कि एक बगीचे में 40 आम के पेड़ है और जो दूसरा बगीचा था उसमें थे कुछ 35 आम के पेड़। तो ये अभी लग रहे हैं मोजर, हाँ शायद इसे मोजर ही कहते हैं। तो इन्हें हाय बाय टाटा वाटा किया, हाय शाय करने के बाद फिर ये मामा बता रहे थे कि कहाँ पे क्या है क्या नहीं है। तो ये अपना है बगीचा, मामा ऐसे करके बता रहे थे। ठीक है, तो ये फिर हमने देखा। और ये देखो ये मोजर जो है, अभी मोजर लग रहे हैं, ये बड़े होके हो जाते हैं टिकोले, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, तो ये टिकोले को अपना हाई बाय करते हुए फिर पूरा बगीचा घूमा अपन लोगों ने सबने मिलके। तो ये देखो वो कार खड़ी है वहाँ पे। फिर यहाँ पे चल रहा था डिस्कशन वगैरह, मामा सब मम्मी को डिस्क्राइब कर रहे थे ये ऐसे है वैसे है। और फिर ये सब कर करा के हम वापस आ जाते हैं घर की तरफ। ये सब करते वरते हो गया था शाम, तो शाम के शायद 5 या 6 बज गए थे। फिर उसके बाद शाम का नाश्ता ये हुआ।
और ये खाया हमने बेबी कॉर्न, और फिर अपना चाय वाला टाइम। तो ये मैं आ जाती हूँ अपने हैप्पी प्लेस पे चाय पीने। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही था, और हमेशा की तरह कहूँ तो आज का दिन भी बहुत अच्छा था जैसे हमेशा रहता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर दोस्त जो मेरे वीडियोस एंड तक देखते हैं। ऐसे ही साथ रहो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। थैंक यू सो मच।